नमस्कार भाई दोस्तों, दिवाली के साथ साथ बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस का हिंदुओं में क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया और छुपाया गया है वो शायद ही कोई जानता पाएगा कि क्या है बंदी छोड़ दिवस, मनाया क्यों जाता है, दिवाली वाले दिन ही क्यों मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस को, ये सबको पता होना चाहिए। हो सकता है बहुतों को पता भी होगा, नहीं पता है सबको। पता है उस टाइम पर मुगल राज करते थे, मुगलों के बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने ग्वालियर के किले के अंदर मानवता के छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहिब और 52 राजाओं को कैद किया हुआ था, 2 साल तक कैद करके रखा था। उस किले को एक तरीके से जेल का वो बना दिया गया था, रूप दे दिया गया था। लेकिन जब से गुरु हरगोविंद साहिब को कैद किया था, जहांगीर को बार बार सपने में बताते हैं कोई फकीर आता था और आदेश देता था, वो बीमार रहने लगा था। वो इतना बीमार रहने लगा था कि उसको अपनी बचने की आशाएं उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। तब बताते हैं उस फकीर ने उसके सामने आके बताई थी कि गुरु हरगोविंद साहिब को, छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहिब को अगर आप रिहा नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने सोचा जहांगीर ने कि चलो छोड़ देते हैं। उन्होंने गुरु हरगोविंद साहब को बताया कि आपको रिहा किया जाएगा, लेकिन गुरु हरगोविंद साहब ने बोला कि उन 52 राजाओं के बिना मैं रिहाई से नहीं चाहता रिहाई, उन 52 राजाओं की रिहाई मेरे साथ होनी चाहिए। अब जहांगीर था, जहांगीर को पता था ये 52 राजा आज़ाद हो गए तो तेरी खतरा है, तेरे उसको सल्तनत को खतरा हो जाएगा। उसने 52 राजाओं को छोड़ने से मना कर दिया। तो गुरु हरगोविंद साहब ने बताया था कि जब तक 52 राजाओं को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक मैं भी कैदी आज़ाद नहीं होना चाहता, ना ही बाहर आना चाहता। एक तरफ जहांगीर को अपनी मौत दिखाई दे रही थी, अगर नहीं छोड़ा गुरु हरगोविंद को तो वैसे भी मर जाना था। तो उसने सोचा कि चलो इसका कुछ ना कुछ तो किया जाए, कि ऐसा उपाय बना जाए कि जिसको असंभव हो, जो हो ही ना सके। उसने बताया, जहांगीर ने आदेश जारी किया कि ठीक है, जितने भी राजा हैं गुरु हरगोविंद साहब का दामन पकड़ के बाहर जितने राजा एक साथ आएंगे वो कैद से आज़ाद होंगे। जहांगीर को ये था कि 52 राजा एक साथ दामन नहीं पकड़ के बाहर आ सकते, ये तो सबको पता था, इसलिए उसने ऐसा आदेश दिया था। उनको 52 राजाओं को रिहा करवाने के लिए गुरु साहिब ने 52 कलियों का अंगरखा सिलवाया था, 52 कलियों का अंगरखा सिलवाया था। एक एक कली को पकड़ के एक राजा उनके साथ बाहर आया था, 52 के 52 राजा कैद से आज़ाद हुए थे। इसलिए इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है और गुरु हरगोविंद साहब को दाता बंदी छोड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये सबको पता है। गुरुजी की याद में 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने ग्वालियर में गुरुद्वारे की स्थापना करवाई थी। ग्वालियर में आज भी वो किला गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब, बंदी छोड़ गुरुद्वारा साहिब है, ये सबको पता है इस बात का। बंदी छोड़ दिवस की क्या महत्ता है क्या नहीं है, गुरु हरगोविंद सिंह जी जो मानवता के छठे गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र थे, मानवता के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी उनके पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह जी छठे गुरु, ये है बंदी छोड़ दिवस की महत्ता। और जो 52 राजा आज़ाद हुए थे ना, वो 52 के 52 राजा हिंदू थे। हिंदू जो ये कहते हैं ना कि सिख अलग हैं, ये अलग हैं, अगर उन्होंने तो सिर्फ मुगलों से लड़ाई की थी या मुसलमानों से लड़ाई की थी, पता लग गया सिख क्या, सिखों की क्या महत्ता है, कितना महत्व है बंदी छोड़ दिवस का। पूरे देश को मनाना चाहिए बंदी छोड़ दिवस, जितने भी पंथ हैं जितने भी सिख भाई हैं सबको बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाइयाँ। और बंदी छोड़ गुरु हरगोविंद साहब जी के कारण जो 52 राजा बाहर आए थे उनका एहसान मानना चाहिए सभी को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ दिखाते हैं, दिवाली और बंदी छोड़ दिवस एक साथ हैं, सबको धूमधाम से मनाना चाहिए। साल भर का त्यौहार है, एक साल बाद आता है, एक साथ दोनों त्यौहार एक ही दिन दो त्यौहार होते हैं, पूरे देश को मनाने चाहिए ये त्यौहार। आज गुरुद्वारों के अंदर भी दीप जलाए जाते हैं, हर जगह पे सभी मनाते हैं इसको, नाम अलग अलग हैं, काम दोनों का एक ही है, त्यौहार एक ही है बंदी छोड़ दिवस के रूप में, क्योंकि 52 राजाओं को आज़ाद कराना ऐसी खेल नहीं होता। आजकल एक आदमी को ही आज़ाद करा के दिखा दो जो मानसिक गुलाम हुए बैठे हैं, एक को भी आज़ाद कराना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो तो बताओ। इसलिए मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस। बहुत से साथी थे जिनको नहीं भी पता होगा, जिनको पता है अगर इसमें कुछ भी अलग है, बाकी अगर पूरा बताने लगे गुरु हरगोविंद सिंह जी साहिब जी का अगर इतिहास पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वो भी किसी दिन आपको शांति से बताएंगे, पूरा बताएंगे आपको,
गुरु हरगोविंद साहब जी का जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है। एक एक गुरु का इतिहास बताने लगे, एक एक गुरु का इतिहास भी एक एक महीना निकल जाएगा बताने में, ये आप सबको पता है। जो मानवता के 10 गुरु हुए हैं, हर एक गुरु का ऐसा इतिहास है। सबसे बड़ा इतिहास जो है वह दशम पिता कलगी वाले पिता महाराज गुरु गोविंद साहब जी, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है इसका। लेकिन हर एक गुरु अपने आप में एक महत्ता रखता है, इसलिए मानवता के बोले जाते हैं गुरु, क्योंकि इन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया था, इन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपने पूरे के पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग जो कहने लग जाते हैं ना कि सिर्फ सिखों के बारे में बोलना, पूरा इतिहास अगर आप पढ़ोगे ना शायद आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, पूरा इतिहास आप नहीं पढ़ पाओगे, इतना बड़ा इतिहास है। और जितना इतिहास उससे ज़्यादा इतिहास तो छुपा दिया गया है, छुपा दिया जो कि लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरे इतिहास को जानने की। क्योंकि एक बात और है, आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया था जिन्होंने, यह मत समझना कि पूरा देश ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, नहीं, जिन जिन लोगों ने योगदान दिया था उनका भी इतिहास मिटाया गया है, बहुतों का इतिहास। आगे किसी को ले आया गया, आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान किसी का था, शायद बहुतों को इस बात का पता होगा। कोशिश रहेगी उस इतिहास को बाहर लाने की, बात करेंगे मिलेगा तो उस इतिहास को भी बाहर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सा ऐसा इतिहास है जो हमारे से छुपाया गया आज तक, जो हमारे को ना पढ़ाया गया ना हमारे को बताया गया, उस इतिहास को भी लेके आएंगे। उसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। सहयोग क्या है? आपको जो बताते हैं उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो साथी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इतिहास बहुत बढ़िया है, इतिहास तो आप अगर पूरा पढ़ने लग जाओगे आप ज़िंदगी निकल जाएगी, पूरा नहीं पढ़ पाओगे इतिहास। इतिहास इतना बड़ा और इतना महान इतिहास है हमारे देश का, इतना महान इतिहास जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो विदेशों से लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं हमारे इतिहास के ऊपर, और हम हैं अपने इतिहास को भूले बैठे हैं। जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती है ना वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म, नक्शे पर नहीं मिलती वो, दुनिया के नक्शे पर ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। अपना इतिहास कभी नहीं भूलना, हमारा खून एक, DNA एक, सब कुछ एक है हमारा, फिर हमारे को अलग अलग किसने किया? इतिहास को दबा के, छुपा के, मरोड़ के, तरोड़ के, टूटा फूटा इतिहास हमारे सामने ऐसा पेश किया गया कि उस इतिहास को दूसरी तरफ बदल दिया गया। कोशिश रहेगी आपको साथ के साथ इतिहास भी बताएं और साथ के साथ आपको जागरूक भी करते रहें, क्योंकि जो अगर आपकी संयुक्त पंजाब एक करते हो ना, जो आपकी ताकत है, दुनिया झुकती उस ताकत के सामने, ये आपको याद रखना चाहिए। संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए, वो समय की मांग भी है, हालात भी ऐसे बन चुके हैं। 14 लाख से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं पंजाब के अंदर नशे के कारण, आपको पता होना चाहिए। 14 लाख से ज़्यादा युवा बच्चे, कौन बचाएगा भाई उनको? अगर उनको कोई बचा रहा है तो फिर उसमें बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो आप? नहीं उड़ानी चाहिए टांग, यह आपको याद रखना चाहिए। अगर ऐसे आप टांग उड़ाओगे ठीक नहीं है। आज का वीडियो स्पेशल बनाने का इसीलिए था कि बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनको पता ही नहीं कि आज बंदी छोड़ का इतिहास क्या है, बंदी छोड़ दिवस क्यों मनाया जाता है। बहुत ऐसे अपने हरियाणा में भी और भी बहुत सी जगह मिलते हैं, पंजाब में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको बंदी छोड़ दिवस का पूरा पता ही नहीं होगा। है ये चीज़ लोग मना कर देते नहीं, अरे पता होगा 2, 4, 10, 20 को पता होगा, बाकी को तो नहीं पता ना। अपना इतिहास याद रखो, नहीं तो इतिहास से मिट जाओगे, भुला दिए जाओगे इतिहास के द्वारा ही। आगे आने वाले समय में आपका कोई इतिहास नहीं बचेगा, अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा क्या इतिहास है? हमारा तो ऐसा इतिहास है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास है हमारा, और ये DNA, ये ब्लड जो एक है ना संयुक्त पंजाब का, इसका तो इतिहास ही सबसे अलग थलग है। ऐसा इतिहास जो कि विदेशों तक में लिखा जाता है वो इतिहास है हमारा। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बताते रहेंगे, कोशिश रहेगी वो भी आपको साथ के साथ बताते रहें। सभी को दोबारा से दिवाली की और बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपना इतिहास मत भूलना, बस ये याद रखना। नमस्कार भाई दोस्तों।